हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप के दो टॉप कमांडर, जैसा कि आप सब जानते हैं, नई साहब नाइकू कुमार सेकंड ट्रेजरी था उसका, और नेवी साहब अरेस्ट होने के बाद उसका चार्ज मिला था वसीम वानी को। वसीम वानी और उसके साथ दो इंप्लॉयज हो गए। कहने का मतलब साउथ कश्मीर में अगर हम लोग गैर नाइकू को इन्वेंट करने में कामयाब होते हैं, ऑलमोस्ट साउथ कश्मीर में एजेंट साफ हो गया। जहां तक जैश की बात है, जैश पॉल ग्रुप सिक्योरिटी फोर्स पुलिस और आवाम के लिए हरदम ठेठ बना रहा है, क्योंकि ये ऐसे वारदात करते हैं जिसमें भारी संख्या में लॉस होता है। ये ग्रेनेड अटैक करते हैं और आईडी ब्लास्ट कराते हैं। हम लोग 10 दिन पहले श्रीनगर सिटी में एक बटल पकड़े थे, जो कि हम लोग को टेक्निकल गैजेट यूएवी और जो हमारे कैमरा सीसीटीवी है उसका स्टडी करने के बाद प्रूफ किए थे इसको, तो उसमें 5 लड़के पकड़े गए जेश मोहम्मद के। उस लीड को हम लोग आगे डेवलप करते गए और कल रात में जब एसपी बलते पुरा ने एक एसपीसी की जनरेट किया हरी प्रगाम में, गांव में 3 टेरिस्ट है इंक्लूडिंग गासी, तो 3 आर सीआरपीएफ और जेके पुलिस ने फॉरवर्ड किया और जब सर्च शुरू किया गया तो दौरान सर्च आरआर के जवान जख्मी हुए और इन्होंने बहादुरी के साथ फॉरवर्ड को टाइट कर दिया और तीनों मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। हमारे इंटेलिजेंस के हिसाब से उसमें कारी यासिर है जो जेएस का सेल्फ स्टार्ट कश्मीर का चीफ है। लास्ट ईयर फरवरी में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भी इन्वॉल्व था ये, उस लेपोरा ब्लास्ट हुआ था उसमें इन्वॉल्व था ये, और उसके बाद ये आईटी एक्सपर्ट है, रिक्रूट भी कराते हैं और बाहर से जितने भी बाहर से मिलिटेंट आते हैं पाकिस्तान से उसको भी रिलोकेट कराते हैं और कोऑर्डिनेट कराते हैं। अभी भी पिछले वीक से हम लोग को लगातार इन्फॉर्मेशन मिल रहा था सिस्टर एजेंसी से कि श्रीनगर में या श्रीनगर के आसपास ये बहुत बड़ा एक आईटी ब्लास्ट करने जा रहा है, इसमें बुरहान का नाम आ रहा था और डेड बाय यासी। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जब कुछ देर के बाद हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे यासी ही होगा। उसके साथ उसका जो एक बॉडी कह सकते हैं या उसका जो वैसी है मूसा भी उसके साथ था। हिजबुल मुजाहिदीन एंड जैश द टॉप लीडरशिप अदर देन रियाज नाइकू इज मोर ऑर लेस एलिमिनेटेड इन कश्मीर एंड अल बदर एंड एलईटी एज इट इज वाज ऑन द लो एप नाउ देयर लीडरशिप वाज नॉन एग्जिस्टेंट एवर सिंस द बिगनिंग ऑफ द ईयर सो एज ऑफ टुडे मोस्ट ऑफ द लीडरशिप ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर इंक्लूडिंग पाकिस्तानी टेररिस्ट इज मोर ऑर लेस एलिमिनेटेड। तो उनमें से लोकल्स कितने हैं फॉरेनर्स कितने हैं? मैक्सिमम लोकल टेररिस्ट को हिंदुस्तान की धरती के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, इसके लिए हमारी सेना नियंत्रण रेखा के ऊपर उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तान के टेररिस्ट नहीं पाकिस्तान आर्मी को भी इतना नुकसान पहुंचा है कि 27 दिसंबर को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने स्पेशल कॉल किया इंडियन डीजीएमओ को और रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज थोड़ा एक्शन कम कीजिए, हमारी बहुत कैजुअल्टी हो रही है। हमने उस रिक्वेस्ट को माना, हमारे डीजीएमओ साहब ने बोला ठीक है अगर आप लोग टेररिज्म की कार्रवाई रोकेंगे तो हम भी उसका उसी तरह से ही जवाब देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और टेररिज्म को बढ़ावा देता रहा और टेररिस्ट कन्फ्रंटेशन को उसके अगले ही दिन से फिर कोशिश करनी शुरू की। उसको यह लगता था शायद अभी इंडियन आर्मी ने बोल दिया कि हम आपको ऑनर करेंगे तो मैं अपने टेररिस्ट के इन्फिल्ट्रेशन करवा सकता हूं, क्योंकि उससे पहले टेररिस्ट के इन्फिल्ट्रेशन को हम नाकाम कर रहे थे। तो हमने जो उनके डीजीएमओ ने खुद रिक्वेस्ट करके खुद अपील की थी कि थोड़ा सीज फायर वायोलेशन थोड़ी कम हो, उसके बावजूद जब उन्होंने वो टेररिस्ट की हरकत दोबारा शुरू की तो हमारी आर्मी ने दोबारा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसका पाकिस्तान की आर्मी को काफी नुकसान हुआ। इस वक्त भी एलसी के ऊपर सीज फायर वायोलेशन पाकिस्तान द्वारा जारी है और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। टेररिस्ट लॉन्च पैड में भरे हुए हैं, बर्फ के बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन जहां पर भी पॉसिबल उनकी तरफ से हो सकती है उसकी कोशिश कर रहे हैं जिसको नकारा किया जा रहा है।